हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले बिग बॉस लीग के वुमेंस के लीग के बारे में। दोस्तों, तो मैच किस किस के बीच में हो रहा है, तो एल्डरेंट स्ट्राइकर वुमेन वर्सेज सैंडे टंडर वुमेंस के मैच हो रहा है दोस्तों, खेला जा रहा है। तो मैच के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये मैच स्टार्ट होने में अभी 3 घंटे 14 मिनट बचे हैं। तो लगभग मैं पहले 3 चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तो मैं पिच के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में और आपको एवरेज स्कोर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये तीनों चीज़ आपको जानना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा और साथ ही साथ आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है दोस्तों। तो चलिए लेते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर पिच के बारे में बात करें, तो पिच आपको बैटिंग का जैसा सपोर्ट करेगा। कोई भी टीम आपको टॉस जीते तो टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करेगा दोस्तों। और उसके साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में बात करें, सबसे फास्ट बॉलर को अच्छा सपोर्ट करेगा। और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें, 124 से 130 के बीच में स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों, यही है तीनों चीज़। और उसके साथ साथ आपको ये भी कर लेना होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा दोस्तों, बाई मिस्टेक। तो मैं क्यों ही बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है, तो आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना होगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा दोस्तों, बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन नहीं होता, तो आपको सीधा टेलीग्राम में चल जाना होगा दोस्तों। टेलीग्राम में जाके इस तरह आपको सर्च करना होगा @jehofantasy करके। तो दोस्तों, मैं सर्च कर रहा हूँ, इधर सर्च करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह आपको सर्च कर लेना होगा दोस्तों, @jehofantasy करके सही तरह से। और उसके साथ साथ जो 875 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना। और बाकी दो अकाउंट्स और भी दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि दोनों बंदों ने मेरे टेलीग्राम चैनल नाम से दोनों बंदों ने फेक अकाउंट्स बना लिए। तो इससे आपको दूर रहना होगा साथ दोस्तों, क्योंकि साथ ही साथ आपको ये फेक टीम देता है और फेक टीम देने से आप लॉस हो जाएंगे। तो कुछ यूजर्स मुझे पता चल गया दोस्तों, कुछ यूजर्स गलती से ज्वाइन हो चुके हैं, तो कुछ यूजर ज्वाइन हो चुके हैं। तो वो जो फाइनल टीम दे रहे दोस्तों, आपको फॉलो करें, फॉलो करने के बाद आप लॉस हो जा रहे हैं दोस्तों। लॉस होने के बाद आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल आपको लॉस करवा दिया, तो वाकई में नहीं हो रहा है दोस्तों। ये मेरे टेलीग्राम चैनल नहीं है, दोनों फेक अकाउंट्स है। आपको जो 875 सब्सक्राइबर्स दिखा दे रहे हैं, उसमें आपको ज्वाइन कर लेना है। और साथ ही साथ अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो गए, तो अभी तक आप कितने लॉसेस हुए वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो अभी तक आप कितने लॉसेस हुए दोस्तों, सब मेरे टेलीग्राम चैनल आपको कवर करवा देगा, ये मेरा पक्का वादा है दोस्तों। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग विकेट कीपर को पिक करेंगे, उसके साथ बैट्समैनों को, उसके साथ ऑलराउंडरों को दोस्तों, और उसके साथ ही साथ बॉलरों को भी पिक कर लेंगे। तो कुल मिला के हम लोग 11 प्लेयर को पिक करेंगे दोस्तों। तो इन 11 प्लेयर के स्टैट्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके साथ साथ आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये तीनों चीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, उसके साथ ही साथ आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है। तो दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग विकेट कीपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम लोग विकेट कीपर में पिक करते हैं, एम एस जोन्स को पिक करते हैं दोस्तों। एक बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है दोस्तों इंग्लैंड के लिए, लेकिन अभी सैंडे टंडर वुमेंस के लिए खेल रही है, लेकिन एक अच्छी विकेट कीपर बैट्समैन है। और साथ ही साथ बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं, स्लीवर ऑफ वॉलाडॉट को पिक करते हैं, उसके साथ साथ दोस्तों रिचल हाई को पिक करते हैं, और उसके साथ साथ कैटी मैक को पिक कर लेते हैं दोस्तों, और पियोना लिचफील्ड को पिक कर लेते हैं। तो चार बल्लेबाजों को हम लोग पिक कर लिए, और उसके साथ साथ ऑलराउंडरों के बारे में बात करें, पहले ऑलराउंडर पिक करते हैं डियान्ड्रा डोटिन को पिक करते हैं, स्वामी जो जॉनसन को पिक करते हैं दोस्तों, और उसके साथ साथ मिरिन फैना को पिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग तीन ऑलराउंडर्स को पिक करते हैं, और साथ ही साथ बॉलरों के बारे में बात करें, मैगन सूट को पिक करते हैं पहले, और उसके साथ साथ अमदमा विल्गोटन को पिक कर लेते हैं, और उसके साथ साथ सैम बैट्स को पिक कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमने 3 बॉलर्स को पिक किया, 3 ऑलराउंडर्स और 4 बैट्समैन और 1 विकेटकीपर। तो इन 11 प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बात करते हैं, पहले मैं स्टैट्स के बारे में एक्शन कर देता हूँ। तो एमी जोन्स के बारे में बात करते हैं, 7 शतक लगाए थे लास्ट मैच में, 53 रन बनाए थे दोस्तों 48 बॉल्स में, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका। उसके साथ ही साथ लियोला वुल्फॉल्ड के बारे में बात करते हैं, 45 रन बनाए थे सिर्फ 38 बॉल्स में, और उसके साथ साथ हाइनिस के बारे में बात करते हैं, 16 रन बनाए थे 18 गेंदों में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों। और साथ ही साथ कैट मैक के बारे में बात करते हैं, 10 रन बनाए थे 8 गेंदों में, और लिचफील्ड के बारे में बात करते हैं, 2 रन बनाए थे 9 गेंदों में, लेकिन ये चारों बल्लेबाज आपको इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों।
और ऑलराउंडरों के बारे में बात की तो फ्रेंड्स डिएंड्रा डोटिन आती है पहले में, तो डिएंड्रा डोटिन ने 15 रन बनाए थे दोस्तों 20 गेंदों में और 4 ओवर डाल के एक विकेट भी मिला था। उसके साथ साथ स्वामी जो जॉनसन के बारे में बात की तो 19 रन बनाए थे 24 गेंदों में और 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है। और उसके साथ साथ पैन के बारे में बात की तो 16 रन बनाए थे 15 गेंदों में। तो दोस्तों तीनों ऑलराउंडर सबको इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ बॉलरों के बारे में बात करें पहले बॉलर मारते मैगन सुट, तो मैगन सुट के बारे में बात करें 4 ओवर डाल के 0 विकेट्स। उसके साथ से विलिंगटन के बारे में बात करें तो 4 ओवर डाल के 2 विकेट और उसके साथ से सेम बैट्स के बारे में बात करें 3 ओवर डाल के 1 विकेट। तो दोस्तों तीनों ऑल बॉलर्स आपको इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ मैं 11 प्लेयर्स को अभी इंपॉर्टेंट के प्लेयर्स को आपको बता दिया हूं दोस्तों, 11 प्लेयर के स्टैट्स के बारे में बता दिया, आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप कैप्टन में बना लेते हैं, नो डाउट दोस्तों वॉलर डॉट को क्लिक कर सकते हैं कैप्टन में, और उसके साथ साथ वाइस कैप्टन के बारे में बात करें आप वाइस कैप्टन में डिएंड्रा डोटिन को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको एक बार कोई कन्फ्यूजन है तो एक बार मेरा टीम को भी देख लीजिए दोस्तों, जितने कन्फ्यूजन है सब वो दूर हो जाएगा। तो पहले हम लोग विकेट कीपर के बारे में बात करते हैं, हम लोग एक विकेट कीपर को पिक किया तो ये जोन्स को पिक किया दोस्तों पहले विकेट कीपर में, और साथ ही साथ बैट्समैनों के बारे में बात करते हैं 4 बैट्समैन को पिक किए, एल वॉलडॉट है, कैटी मैक है दोस्तों, आर हाइनिस है और लिचर फील्ड है। तो हम लोग 4 बल्लेबाजों को पिक किया, और उसके साथ ऑलराउंडरों के बारे में बात करते हैं 3 ऑलराउंडर्स को पिक किए, डिएंड्रा डोटिन है दोस्तों, स्वामी जॉनसन है, आमेन पेन्ना है दोस्तों, तो 3 ऑलराउंडर्स है। और साथ ही साथ बॉलरों के बारे में बात करें 3 बॉलर्स को पिक किए दोस्तों, एम शॉट है, एम ए विलगटन है, एस बेट्स है दोस्तों, 3 बॉलर्स हैं। और साथ ही साथ आपको ये मेरा कोई फाइनल टीम भी नहीं समझना होगा, मेरा फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आपको कोई फाइनल टीम चाहिएगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना होगा, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा दोस्तों, जो आपको 875 सब्सक्राइबर्स दिखा दे रहे हैं उस पर आपको ज्वाइन करना है, और बाकी 2 अकाउंट्स को अवॉइड करना है दोस्तों। जो आपको 875 सब्सक्राइबर्स दिखा दे रहे हैं उस पर आपको इस तरह क्लिक करना होगा दोस्तों, क्लिक करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो जिस तरह आपको जो इस तरह मैं फाइनल टीम दे देता हूँ तो आपको भी इस तरह फाइनल टीम मिल जाएगा, लेकिन नीचे मैं एक लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों, वो लिंक है माय मास्टर 11 ऐप का, तो ये बेहतरीन ऐप है दोस्तों क्योंकि नया ऐप है, उसके साथ साथ आपको लॉ कॉम्पिटिशन मिलेगा और आप मनी ईजिली अर्न कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैं मनी ईजिली अर्न करके आ रहा हूँ, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मनी ईजिली अर्न करना है तो माय मास्टर 11 में खेलना है, और साथ ही साथ मैं फाइनल टीम इसी तरह दे देता हूँ, आपको भी फाइनल टीम इस तरह मिल जाएगा। और जो मैं आपको ये टीम दे रहा हूँ दोस्तों, ये 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट उसके साथ साथ हेड टू हेड में ट्राई करेंगे दोस्तों, मैं 100% बता रहा हूँ आपको मेरे टीम को फॉलो करना, साथ ही साथ जो मैं फाइनल टीम देता हूँ उसको भी एक बार देख लेना और उसको फॉलो कर लिया दोस्तों, मैं 100% बता रहा हूँ आपको मैं जिताऊंगा, इसी तरह मैं जिताता हूँ दोस्तों सब लोग को, आपको भी मैं मुझ पर भरोसा है तो आप मुझे फॉलो कीजिए दोस्तों, मैं 100% जिताऊंगा। और साथ ही साथ मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ दोस्तों, आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, थैंक यू।